हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये न्यू सेटअप है, तो लेट्स स्टार्ट। बाद में बता दो कैसे क्या है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एडवर्टाइजिंग, तो कम्युनिकेशन क्या है जो तुमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा वापस है। तो कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन से है कम्युनिस, मतलब किसी से बातें करना या मैसेज ट्रांसफर करना। तो मैसेज क्या है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, अच्छे से पढ़ता जाओ। ये डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले कौन होता है कम्युनिकेशन में, एक सेंडर होता है, राइट। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज सेंड करता है। तो इधर मैसेज कौन सेंड करेगा, तो सेंडर ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज इज ही एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर मतलब कंपनी जो एक एड बना के लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहती है, अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है। तो सेंडर कौन है, जो मैसेज बनाता है और किसी को दिखाने की कोशिश करता है, किसी को, ऑडियंस को, राइट। तो सेंडर क्या करता है, एनकोड्स करता है, मतलब मैसेज को बनाता है और ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है किसको, ऑडियंस को। कैसे दिखाएगा, सपने के अंदर दिखाएगा, नहीं, थ्रू सिलेक्टेड मीडिया। तो ऐड में क्या दिखाएगा, वो मैसेज क्या रहेगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ऐड का मैसेज क्या है, उसका यूसेज बताएगा, कौन से कस्टमर के लिए क्यों ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है सेंडर, जो मैसेज को सेंड करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व, मैसेज। एडवर्टाइजर क्या कहना चाहता है, मतलब एडवर्टाइजर के माध्यम से, विद दी हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, व्हाट दी एडवर्टाइजर ट्राई टू कन्वे दी मैसेज, क्या मैसेज देना चाहता है। तो मेन मैसेज क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना प्रोडक्ट के बारे में, ताकि वो आगे बढ़े, ब्रांड इमेज, लॉयल्टी, कॉर्पोरेट इमेज, कंपटीटर्स क्या क्लेम है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है बाकी लोग से क्यों अच्छा है, मार्केट को बढ़ाना। तो ये क्या होता है, उसका मैसेज होता है। तो एडवर्टाइजर विद द हेल्प ऑफ एड एजेंसी क्या करता है, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग मैसेज बनाता है और मैसेज को क्या करता है, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या है, मीडियम। तो जो ऐड बनता है वो कैसे दिखाई गए, क्या सोर्स पे दिखाई गए, तो मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। तो मीडियम अलग अलग तरीका होता है, या तो न्यूज़पेपर को बोलते हैं प्रिंट मीडिया, टीवी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट के थ्रू मैगजीन, रेडियो, आउटडोर मतलब सजा देना, कैसे रोड को, बस स्टॉप को, रेलवे स्टेशन को। तो दीज आर दी मीडियम दी कंपनी कैन यूज़ टू ट्रांसफर दी एडवर्टाइजिंग। तो मीडिया आर दी चैनल, ये क्या होता है, चैनल होता है कम्युनिकेशन थ्रू विच एड मैसेज आर ट्रांसमिटेड, दिया जाता है किसको, एडवर्टाइजर, बाय दी एडवर्टाइजर मतलब कंपनी किसको देती है मैसेज, ऑडियंस को। और फोर्थ स्टेप क्या है, रिसीवर। रिसीवर कौन है, जिसके लिए मैसेज बनाया गया है, जिसके लिए ऐड बनाया जाता है, वो रिसीवर होता है। तो इधर रिसीवर कौन हो जाएगा, ऑडियंस होगा। तो ऑडियंस क्या करता है, मैसेज को रीड करता है, सुनता है या देखता है। तो रिसीपेंट में डिकोड, डिकोड मतलब होता है कि मैसेज को समझेगा, ऐड को समझेगा कि वो ऐड क्या कहना चाहता है, उसमें क्या बातें है, क्या डिज़ायर है, क्या मतलब इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो चीज़ को खरीदेगा, ऐड अच्छा लगेगा फिर प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो ऑडियंस ऑल्सो इंक्लूड डीलर भी आ गया, जेठालाल भी आ गया, जो ऐड को देख के प्रोडक्ट को पहुंचाते। तो दिस आर दी स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन साइकिल। तो ये सब तुम लोग बना देंगे, राइट। एडवर्टाइजर, ऐड मैसेज, मीडिया, ऑडियंस, है ना, कौन ऐड बनाता है, क्या बनाता है, कैसे दिखाएगा, किसको दिखाएगा। तो ये भी चैनल बना देगा और इस फर्स्ट ईयर के जैसा लिख देने का, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया एक टॉपिक कम्युनिकेशन प्रोसेस, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है। और भी आंसर मैंने अपलोड कर दिया है, यू कैन चेक माय डियर स्टूडेंट। और बस आई एम ट्राइंग माय बेस्ट लेवल टू हेल्प यू आउट, ओके। ये अपना सेटअप है, मतलब कैसा है, क्या क्या मैंने, जैसे कि बुक्स है ना इधर सब, कैल्सी उल्सी रखा है, ये चेयर, तो उसके ऊपर क्या कर देता हूँ मैं, मोबाइल ऐसा रख देता हूँ तो एकदम स्टेबल हो जाएगा, फिर बुक यहाँ पर आ जाता है ना, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपन, ओके। थैंक यू।